welcome to the next edition of Just Candid, Chitkara University's initiative to interview inspiring personalities. Today we have with us Suzanne Bernert, an actress, a German-Indian actress settled in Mumbai and is playing the lead role as Mrs. Sonia Gandhi in the upcoming film, The Accidental Prime Minister. Hello, Suzanne. How are you? Hi, I'm fine. How are you? It's a pleasure to welcome to Chitkara University. Thank you. Dhanyavaad. Very good. So, हम हिंदी में बात करेंगे हाँ हम हिंदी में बात करें बिल्कुल जितना हो सके तो पहला क्वेश्चन ये है आप हमारे फिल्म फेस्टिवल में आए सेकंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी थे आपका धन्यवाद सबसे पहले कि आपने इतनी फिल्म्स स्क्रीन की पूरा दिन बिताया आपको कैसा लगा हमारा कैंपस इन्वायरमेंट तो पहले मैं बहुत आभारी हूँ इन्विटेशन के लिए और यहाँ एंट्री लिया चित्कारा यूनिवर्सिटी पहली बार मैंने देखा पहली बार पंजाब में हूँ And I was like, ये बहुत बढ़िया है ये इतना सुंदर है इतना साफ है इतना हल्का सा यूरोपियन टच भी है ना जो चीज़ मैंने देखा वो इंडियन यूरोपियन जोड़ी बनाकर तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर सो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें दोनों देशों के कल्चर इंडिया और यूरोप की मिलती हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि हमारे पीछे बिल्कुल ऐसे लगता है हम यूरोप में हैं लेकिन नहीं है थैंक्स टू आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर उनका जो डिज़ाइन एबिलिटीज हैं और क्रिएटिविटी है बहुत बड़ी कल्पना है ना क्योंकि वो कॉपी नहीं किया वो कुछ बाहर इंकॉर्पोरेट किया इस देश में सो विदेशी देश का जोड़ी बनाया मिलाकर वेरी गुड सो आपने इतनी फिल्म्स देखी बच्चों ने शॉर्ट फिल्म्स बनाई यू नो उनके स्किल के बारे में आपको क्या कहना है वो कहाँ पे है और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पे उनके काम में तो हमने मैं और नंदिता पुरी हमने 42 मूवीज देखा शॉर्ट मूवीज देखा फ्रॉम 2 मिनट्स टू 7 मिनट्स और इसमें बहुत फर्क देखा इसमें क्वालिटीज बहुत अच्छी थी और बहुत एमेच्योरिश थी वो ठीक नहीं था अफसोस की बात है लेकिन एफर्ट के लिए तो अप्लॉज देना है क्योंकि मैंने बाद में किसी स्टूडेंट्स के साथ बात भी किया एंड दे वर टेलिंग ये हमारा पहला एफर्ट है तो पहले एफर्ट के लिए तो अप्लॉज देना ही है ना तारीफ देना भी है तारीफ एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट किया और ये यात्रा शुरू किया क्योंकि कहीं तो शुरू करना ही है जब मैं यहाँ आई थी मुंबई में आई वॉज वेरी लॉस्ट में कौन मिल सकते आपने स्टेज भी बताया आजकल तो सब सोशल मीडिया में है और हम किसी को अप्रोच भी कर सकते ऑनलाइन की माध्यम से लेकिन उसी समय आई वॉज हियर इन 2004 और एक फिल्म डायरी इंडियन फिल्म डायरी वो अभी भी हैं और इसमें सारे नंबर्स हैं लेकिन कैसे किसको फ़ोन कर सकते हैं और मैं हम क्या मैं क्या बताऊं क्योंकि उसी समय हिंदी नहीं बात की यार एंड आई वाज अ लिटिल बिट लॉस्ट मैं किस ओर से ये यात्रा शुरू करे एंड यू हैव अ प्लेटफॉर्म हियर ये यंगस्टर्स के लिए दिया एंड ऑनलाइन मीडिया इज हेल्पिंग अ लॉट यू नो एनीबडी कैन रीच आउट एनीबडी इन मुंबई यस यू कैन रीच आउट यू कैन गेट इन टच और सोशल मीडिया भी ऐसी है या मूवीज नेटफ्लिक्स अमेज़न सब कुछ है तो वहाँ देखकर भी सीख सकते जो भी देखने का मन है देख सकते या यू डोंट हैव टू गो एंड रेंट अ वीडियो और ये है ही नहीं हमारे देश में और ये नहीं है और वो नहीं है यू कैन गेट एनीथिंग ढूंढने की हिम्मत चाहिए ढूंढने की हिम्मत या हल्का सा ये किस्मत वाली बात भी है ना डेस्टिनी भी है क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी थी यहाँ पहुँचने की आई डिडंट नो आपने फिल्म्स भी की हैं आपने सीरियल्स भी किए हैं आपके फेमस सीरियल्स जिसमें आपने 21 एपिसोड्स किया शो का वो भी आपने किया अब आपकी फिल्म भी आ रही है 12 साल की आपकी ये जर्नी रही है हिंदुस्तान में आप कितने हिंदुस्तानी हो चुके हैं भाषा से तो लग रहा है कि आप बन चुके हैं नहीं 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 मैं हल्का सा मेरे ग्रैमा हमेशा ऊपर नीचे होती रहती सो समटाइम्स आई साउंड आई डोंट नो लिटिल बिट बट यू हैट्स ऑफ टू यू यू लर्नड एंड पिक्ड अप द इंडियन हिंदी लैंग्वेज सो वेल यू नो नहीं कभी कभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और कभी कभी मैं बिल्कुल फंस जाऊँ ग्रामर या
भाषाओं से यार मुझे नहीं मालूम है मैं बहुत अच्छी तरह से टेक ऑफ करते एंड देन आई डोंट नो हाउ टू लैंड सो मेरा सेंटेंस कहीं एंड नहीं कर सकते सो आपने बोला कि आपकी लेक्चर में आपने बोला कि चितकारा यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न इंडिया का इंस्पिरेशनल स्मॉलर मॉडल वर्जन है यू नो मॉडल ऑफ क्लेनलीनेस एंड ऑल थोड़ा उसको एलैबोरेट अगर करें क्या मैं जर्मनी से और जर्मन लोग बहुत सब साफ चाहिए यार और वहाँ का सिविल सेंस सिविल ड्यूटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ मुझे लगता है कभी हल्का सा कम है नया जनरेशन ऐसी नहीं है ये मुझे लगता है शायद 15 साल के बाद ये इस देश में और स्वच्छता है और सिविक ड्यूटी सेंस मोर है बट एज ऑफ नाउ इट्स अ लिटिल बिट यहाँ का सोच हमेशा ऐसी है ये मेरी दरवाज़ा के बाहर है तो मेरा नहीं है या किसको आई जस्ट फेंकी इट एंड देन इज गॉन लेकिन बाहर तो मेरा देश भी है मेरा भारत महान है तो अगर मेरा भारत महान है तो सब कुछ है तो मेरी पर्सनल दरवाजा के बाहर भी मेरा है और तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है ये फीलिंग थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए या एंड आई थिंक दिस इज एन बिकॉज इट्स अ यंग कंट्री राइट या द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द हाईएस्ट यू नो यंगर पीपल हियर या एंड आई थिंक इट्स कमिंग नाउ बिकॉज मैंने नंदिता से बात की एंड शी सेड हमारे आजू बाजू में दिवाली में यंगस्टर्स दे वर रिफ्यूजिंग हम क्रैकर्स नहीं So they understand the, you know, the value of maintaining the environment and making a very clear, I would say, way of living in a nicer way. You know, yeah, क्योंकि ये सोच बचपन में सीखाना है. That has to be started in school. School is the main thing. And I had it in school. और ऐसे तस्वीरें दिखाया और ऐसे बात किया. I started being scared for the world. I was like, we have to do all this, we have to Yeah, not for ourselves, but for others also. So coming back to the next question, regarding the careers in film production, filmmaking, acting, direction, cinematography, photography. So we have a media and mass media school in our university. And आपका क्या राय है कि आपने फिल्म फेस्टिवल देखा, बच्चे देखे, अभी हम तीसरा फिल्म फेस्टिवल भी करेंगे अगले साल, you know? और आप जरूर आएंगे उसमें सो आपको क्या लगता है कि इस इन फील्ड्स में करियर कैसे बनाए यू नो जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ फिल्म प्रोडक्शन एक्टिंग मुझे लगता है ज़्यादा आसान है अगर हम आप या स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी अटेंड कर सकते बिकॉज वहाँ एक प्लेटफॉर्म है अगर किसी और मीडियम से एंटर करना है हल्का सा मुश्किल है लेकिन सबसे बेस्ट है किसी के साथ काम करना है फिल्म डायरेक्टर के साथ काम करना है या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये लोगों के साथ काम करनी है सीखना है जर्मनी में एक ऐसी चीज़ है अप्रेंटिसशिप कहते हैं या तो वहाँ 3 साल किसी के साथ काम करते हैं कम पैसे में लेकिन ये सीखना है तो ये तुम्हारा पैसे भी है ना यू लर्निंग ये अनुभव मिल रहे हैं यार तो डू यू एनकरेज दैट दे शुड कंप्लीट देयर स्टडीज दे डू ग्रेजुएशंस इन मास कम और फिल्म मेकिंग दे डू एटलीस्ट दिस क्लिनिकल लर्निंग इट हेल्प्स या कहीं तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए एंड आई एक्टर के लिए मुझे लगता है नाटक या थिएटर के अलावा और कुछ बेहतर नहीं है शुरुआत के लिए आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट फ्रॉम थिएटर बिकॉज यू लर्न अ लॉट बट एज एक्टर इट्स लाइक लाइफ इज योर टीचर एज वेल सो यू हैव टू ऑब्जर्व ये हमारे आंखें नहीं है ये कैमरा है मैं हर चीज ऐसे देख रही हूँ ऐसे लगता है मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ क्योंकि कब ये अनुभव चाहिए मेरी एक्टिंग के लिए कब काम आ जाए बिकॉज एन एक्टर डज दैट तो मेरे अनुभव मैं एक्टिंग यूज करती हूँ आई यूज माई ओन एक्सपीरियंसेस अगर रोना है या हंसना है आई एम टेकिंग माई ओन एक्सपीरियंस और ये स्क्रिप्ट के साथ लाइन्स के साथ कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट करते हैं
तो जैसे सुनने में आता है कि आप बड़े सलाह देते हैं, मेंटर सलाह देते हैं कि टीचर्स कहते हैं कि आप एक्टिंग फील्ड में चले जाओ, बड़ा मुश्किल है, पर एक बैकअप रख लेना, आपका इसके बारे में क्या है, बैकअप के बारे में? बैकअप के बारे में या बैकअप भी कुछ और करियर, या अगर ना कामयाब हुए तो इंजीनियर बन, ये और भी कर सकते हैं. बहुत सारे एक्टर्स यहाँ के एक्टर्स बैंक सेक्टर में हैं, वो बैंकिंग का काम किया या करते रहे और साइड में एक्टिंग करते हैं. एंड सो मेनी आई वाज लाइक शॉक्ड. फाइनेंशियल सिक्योरिटी गिव्स यू द फ्रीडम टू चूज योर कैरेक्टर्स, राइट? तो शायद इतनी बुरी आइडिया नहीं है. मैंने एक साल का कोर्स किया लैंग्वेजेस का, सो आई कैन फॉलो बैक ऑन माय लैंग्वेजेस. बट आई थिंक सीरियसली आई थिंक इट गिव्स द पेरेंट्स मोर पीस ऑफ माइंड than the child financially steady. Yes. But for the child, it's like anything you learn has a value. That's right. Because you can use it in acting. Yeah, they will. Acting is living. Right. Acting is not something abstract somewhere. Acting is you, now, me. We are interacting, we are acting. Right. I'm watching from here, what am I seeing? Right. I can see I'm a little fluttering, I'm a little hesitating, so my Hindi is not so clear today. So I know all of this. Yes. But I can't really. So in consciousness, with awareness, you are talking. Yeah. And you know, knowledge is being exchanged. And being so I can't really say, take another job, study something else, but I can't say, don't do it. Right. But one has to do it if he has to. I think it's like a personal choice. That's right. So coming on to the skill of learning more languages, how important it is to learn more languages? Are they beneficial in your career and otherwise? Yeah, I think it's very beneficial. It's something that wo sirf bhasha nahi hai, ye culture ke bare mein bhi hai. Not only in acting, so as an actor. No, only not only in acting. Agar mujhe lagta hai ki puri duniya shayad ek war nahi hai agar hum sab ek bhasha mein baat kar sakte hain. Yeah. If we have one language, central to galat fehmi kam ho jaye. Right. I'm always hoping for that. The language plays a very important role. Hindustan mein itne sare log hai to kam se kam angrezi aur hindi aati hai ya unki apna bhasha. Aur ye Europe mein nahi hai, America bhi nahi hai. This is an advantage. This is an advantage of India that they have all these, like they have two languages or three languages. Which so I find them hats off. Yeah, thank you. Which helps them fit into any culture easily and understand, you know, whether it's US, Western or Eastern. I see so many Indians excel in their field abroad. They do. Yeah. And I go like, why can't you do that here? Question remains. And then we have Chitkara, who's hopefully encouraging people and students to excel here. Here, yes. Because you're giving a great platform here. Right. I keep on coming back how much I love this campus and the people who are teaching here. And the students seem to be enthusiastic and happy to be here. Yes, thank you. Yeah, we are a learners organization and we've come so far and we look forward to improve more. And would you like to give some message to our students in the camera? You know, how can they improve upon this film festival platform which they have created, which the university has created? How can we make the third international film festival a great one? I had a couple of students come up to me and ask me how we can improve, and I have a very simple thing that we actors do. We ask ourselves, from where am I coming, where am I going, who am I, what's happening, what's going on? And you go by these questions, you have to ask yourself all these questions, you automatically get a story. And we're just talking about originality. You don't have to be extra, you don't have to think. And a simple idea can be very strong if it comes from your point of view. Right. Because you are the only person who has your point of view, nobody else does. There's only one you. Great, so it's a pleasure talking to you. Hindi kam kiya aaj. पता नहीं यार कैसा ऊपर नीचे हुआ आज. बहुत अच्छा था. I think हमारे ऑडियंस के लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहेगी, because you know they would love to see this interview. उम्मीद है. A German person speaking so affluent Hindi. कोशिश किया, प्रयास किया. Thank you very much. Thank you. Thanks for having me. Bye.